बारिश का मौसम खत्म हुआ, सर्दी शुरू हो गई है और सर्दियों का मौसम होता है खूबसूरत फूलों का मौसम। अगर आप चाहते हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपके गार्डन में खूबसूरत रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल खिलें, तो यही सही समय है। तो सर्दियों के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने की तैयारी आपको अभी से करनी होगी। सबसे पहला काम तो यही करना है कि विंटर सीजन के लिए प्लांट्स की एक लिस्ट बनानी है। ये तय कर लें कि आपको अपने टेरेस या बालकनी में कौन कौन से फूलों के पौधे लगाने हैं, क्योंकि एक बार आप बिना लिस्ट बनाए नर्सरी चले गए तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई सा भी पौधा घर ले आएंगे, इसमें आपका पैसा तो बर्बाद होगा ही और ये भी हो सकता है कि वो पौधा आपकी बालकनी में या गार्डन में सर्वाइव न कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चुनिंदा पौधे जिन्हें लगाना तो आसान है ही, इन्हें कम मेंटेनेंस में उगाया जा सकता है, साथ ही जब इनमें फ्लावरिंग होगी तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। सीधे टॉपिक पर आते हैं। मेरी लिस्ट का पहला प्लांट है क्रिसेंथमम यानी गुलदाउदी। ये सर्दियों के मौसम में खिलने वाले सबसे सुंदर फूलों में से एक है, इसी वजह से इसे जाड़े की रानी भी कहते हैं। गुलदाउदी के फूल सफेद, पीले, लाल और बैंगनी कई रंगों के होते हैं। इसका एक पौधा ही आपके पूरे गार्डन को सजा देगा। इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद आती है। आप जिस गमले में गुलदाउदी लगाएं उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर गुलदाउदी की जड़ों के पास पानी रुका रहेगा तो पौधा मर सकता है। गुलदाउदी के लिए आप मिट्टी कैसे तैयार करेंगे उसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। आप एक पार्ट गार्डन सॉइल ले लीजिएगा, एक पार्ट गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, एक पार्ट रेत यानी बालू और एक पार्ट ले लीजिएगा कोकोपीट। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसे गमलों में भरकर अपने गुलदाउदी के प्लांट उसमें लगा दीजिए। गुलदाउदी के पौधों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए इसके लिए 6 से 10 इंच के गमले ठीक रहते हैं। गुलदाउदी के पौधे जब 8-10 इंच के हो जाएं तो एक बार पिंचिंग जरूर करें। इससे गुलदाउदी के पौधों में नई शाखाएं ग्रो करेंगी और इससे पौधा घना हो जाएगा और उसमें फूल भी ढेर सारे आएंगे। एक और फ्लावरिंग प्लांट जो मेरा पसंदीदा है उसका नाम है डहलिया। डहलिया को बीज या कंद दोनों तरह से लगाया जा सकता है। डहलिया के पौधे को सर्दियों की धूप बहुत भाती है। अधिक धूप मिलने पर इसके फूलों का आकार बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको डहलिया के पौधे उस जगह रखने हैं जहां इसे अच्छी धूप मिले। डहलिया प्लांट को अच्छी खाद वाली हल्की मिट्टी पसंद आती है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो नमी को तो होल्ड रखे लेकिन उसमें पानी रुके नहीं। डहलिया का प्लांट 2 से 3 फीट हाइट का होता है। इसकी जड़ों में गांठे होती हैं, इसलिए इसे कम से कम 8 से 12 इंच के गमले में लगाइए। ऐसा पॉट लीजिएगा जिसमें पानी की निकासी के लिए अच्छे ड्रेनेज होल्स हों। डहलिया के लिए पानी का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। डहलिया के प्लांट को संतुलित मात्रा में पानी की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा पानी देने से डहलिया की जड़ें सड़ जाती हैं, जिससे पौधा खराब भी हो सकता है। सर्दियों में एक और फूल वाला प्लांट जिसे मैं रेकमेंड करूंगा उसका नाम है कैलेंडुला। इसे पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। इसके फूलों की बनावट डेजी और गुलदाउदी की तरह होती है। कैलेंडुला के फूलों की सबसे अच्छी खूबी यह है कि एक बार खिलने पर ये 10 से 15 दिनों तक चलते हैं। कैलेंडुला के फूल नवंबर से अप्रैल के महीने में खिलते रहेंगे। कुछ ठंडी जगहों पर इसके फूल सितंबर के महीने से खिलना शुरू हो जाते हैं। कैलेंडुला के प्लांट को वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद आती है, यानी अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी। कंटेनर में मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, मिट्टी बिल्कुल भी गीली ना रहे। मिट्टी भुरभुरी और पोरस होगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
कैलेंडुला को ग्रो करने के लिए सीधी धूप यानी डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है। कैलेंडुला के लिए भी आपको बड़े गमले की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि कैलेंडुला के पौधे नर्सरी में 15 से 20 रुपए में मिल जाते हैं, यानी आप झटपट नर्सरी जाइए और कैलेंडुला के पौधे को अपनी बालकनी में लगाइए। मेरी लिस्ट का अगला प्लांट है पिटूनिया। पिटूनिया में कई रंग और शेड्स के फूल खिलते हैं। नवंबर से लेकर जनवरी तक पिटूनिया में जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। वैसे देखभाल की जाए तो इसमें फरवरी मार्च तक भी फूल आते हैं। पिटूनिया के पौधे को आप वेल ड्रेन्ड और कार्बनिक तत्वों से भरपूर मिट्टी में लगाएंगे तो ये ढेर सारे फूल खिलाएंगे। पिटूनिया सन लविंग प्लांट है, इसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो चाहिए ही। अगर धूप अच्छी नहीं होगी तो आपके प्लांट में पत्तियां तो खूब आएंगी लेकिन फूल नहीं खिलेंगे। पिटूनिया प्लांट में पानी का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर गमले की मिट्टी ज्यादा वक्त तक गीली रहेगी तो प्लांट खराब हो जाएंगे, जड़ें सड़ जाएंगी। पिटूनिया की रूट्स गहरी नहीं जाती हैं, इसलिए इसे आप 6 इंच से 10 इंच के गमले में लगाएंगे तो अच्छी तरह से ग्रो कर जाएंगे। वैसे पिटूनिया को आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। गमले में 3-4 अच्छे ड्रेनेज होल्स जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत फूल वाला पौधा है पेंजी या पैंसी। ये खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ फूल तितली की तरह दिखता है। फ्रेंच में पैंसी का मतलब होता है थॉट। यही वजह है कि पैंसी थिंकिंग और थॉट को सिंबलाइज करता है। पैंसी के फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर इस फूल को उस व्यक्ति को उपहार के तौर पर देते हैं जिसे प्यार करते हैं। पैंसी प्लांट के लिए नमी वाली ह्यूमिक रिच वेल ड्रेनेज सॉइल सबसे अच्छी रहती है। अगर आप लॉन में या जमीन पर पैंसी फ्लावर लगा रहे हैं तब तो आप मिट्टी में गोबर की खाद मिलाकर इसे लगा सकते हैं, लेकिन कंटेनर में पैंसी प्लांट लगाने के लिए मिट्टी का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। पैंसी को नमी पसंद आती है, इसलिए पैंसी को पानी की रेगुलर जरूरत पड़ती है, खास तौर से स्प्रिंग सीजन में। पर ध्यान रखिएगा कि मिट्टी ज्यादा गीली न होने पाए। ऐसा होगा तो पैंसी प्लांट की जड़ें सड़ सकती हैं। पैंसी प्लांट को धूप अच्छी लगती है, लेकिन दोपहर के वक्त की तेज धूप से इसे बचाना चाहिए। इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां सुबह और शाम की धूप तो मिले लेकिन दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। पैंसी प्लांट की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती, इसकी जड़ें भी ज्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए इसे 6 से 8 इंच के कंटेनर में लगाएंगे तो ये अच्छी तरह चल जाएगा। अगर इसे चौड़े प्लांट में लगाया जाए तो और भी अच्छा। विंटर फ्लावर्स लिस्ट में अगला प्लांट है डायंथस। डायंथस फ्लावर को पिंक्स भी कहते हैं। ये कार्नेशन फैमिली का फ्लावर है। इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आती है। डायंथस के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। पानी गमले में रुकना नहीं चाहिए। डायंथस को आप छोटे गमले में आसानी से उगा सकते हैं। डायंथस को प्रॉपर सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। इससे आपके डायंथस में फ्लावरिंग अच्छी होगी। डायंथस को पानी देने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस फ्लावर प्लांट को पानी तभी दें जब गमले में मिट्टी की ऊपरी लेयर सूख जाए। मेरी लिस्ट का अगला फ्लावरिंग प्लांट है वर्बेना, जिसे प्राचीन इजिप्ट में टीयर्स ऑफ आइसिस भी कहा जाता था। बाद में इसे हेरास टीयर्स कहने लगे। वर्बेना प्लांट की हाइट ज्यादा नहीं होती है। ये गमले के ऊपर वाले हिस्से में ही झाड़ी की तरह फैलता है, इसलिए आप इसके लिए ऐसा गमला लेना जो गहरा भले ही ज्यादा ना हो पर चौड़ा हो। गहराई की बात करें तो वर्बेना के लिए 6 से 8 इंच का कंटेनर सही रहेगा। वर्बेना प्लांट को जिस गमले में लगाएं, ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी ज्यादा देर तक रुके नहीं। वर्बेना फुल सनलाइट प्लांट है। इसे 8 से 10 घंटे की धूप मिले तो ये अच्छी तरह से ग्रो करता है और इसमें फूल भी अच्छी तरह खिलते हैं। जहां तक पानी की बात है तो वर्बेना प्लांट को बहुत ज्यादा पानी न दें, वरना इसकी जड़ों के सड़ने का खतरा रहेगा। अब आपको एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताता हूं जिस पर बहुत ही अट्रैक्टिव
ब्राइट और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम है प्रिमरोज, जिसे प्रिम्यूला भी कहते हैं। प्रिमरोज की क्या तारीफ की जाए, इसके लाल, गुलाबी, पीले, सफेद, नीले, बैंगनी रंगों के फूल देखकर तो मन ही खुश हो जाता है। प्रिमरोज यानी प्रिम्यूला में फ्लावरिंग लेट विंटर और स्प्रिंग सीजन में होती है। दिसंबर के आखिर से मार्च तक फूल खिलते रहते हैं। प्रिमरोज के लिए अच्छी खाद वाली हल्की और वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स की जरूरत होती है। पॉटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें नमी बनी रहे, और साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि मिट्टी में पानी रुके नहीं। पानी डालने पर मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। प्रिमरोज प्लांट को लगाने के लिए हमें बहुत बड़े कंटेनर की जरूरत नहीं है। आप 6 से 10 इंच के बीच का कोई भी गमला ले सकते हैं। प्रिमरोज को तेज धूप पसंद नहीं आती है, इसलिए प्रिमरोज प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहां दोपहर की धूप ना आती हो। प्रिमरोज को सुबह की धूप मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे इनडायरेक्ट और फिल्टर्ड लाइट में रखें तो अच्छा चलता है। प्रिमरोज में स्पाइडर माइट्स और एफिड्स का हमला होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, ये काफी इफेक्टिव रहता है। विंटर्स में आप एक और फ्लावरिंग प्लांट को अपने टेरिस पर जगह दे सकते हैं। इस प्लांट का नाम है बिगोनिया। बिगोनिया अच्छी तरह से ग्रो हो, उसमें सुंदर, चमकदार और रंग बिरंगे फूल खिले, इसके लिए हमें 3 बातों का खास ख्याल रखना होगा। पहली बात मिट्टी, दूसरी बात पानी और तीसरी बात सनलाइट। बिगोनिया के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी की निकासी अच्छी तरह से हो जाए। पानी डालने पर मिट्टी चिपचिपी ना रहे। बिगोनिया के लिए सबसे ज्यादा ख्याल पानी का रखना है। 80% टाइम बिगोनिया के प्लांट खराब होने की वजह वाटरिंग को लेकर लापरवाही होती है। बिगोनिया प्लांट को नम मिट्टी पसंद है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। बिगोनिया पानी को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। अगर बिगोनिया प्लांट के कंटेनर में पानी बहुत ज्यादा हो जाए, मिट्टी गीली रहे, तो रूट रॉट होने यानी जड़ें खराब होने की समस्या आती है। बिगोनिया ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। जंगलों में ये बड़े पेड़ों के नीचे होते हैं, तो इस प्लांट को जो कंडीशन जंगल में मिलती है वही कंडीशन इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। अगर आप अपने टेरेस में बिगोनिया प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसी जगह पर रखिएगा जहां सुबह और शाम की धूप आती हो। दोपहर की तेज धूप जहां आए उस जगह पर आप बिगोनिया प्लांट को बिल्कुल भी मत रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसे बड़े प्लांट्स के नीचे रखें जिससे इसे छन छन कर धूप मिले। तो दोस्तों, आप इन 9 प्लांट्स को सर्दियों में जरूर लगाइए। ध्यान रखिएगा कि इन सभी फूल वाले पौधों को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में ही लगाएं। गमलों में पानी रुकना नहीं चाहिए। सर्दियों में पौधों को पानी देने में सावधानी बरतें, अधिक पानी देने से बचें, इससे प्लांट्स के खराब होने का खतरा रहता है। गमले की मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए नियमित रूप से खाद डाली जा सकती है। फूल वाले पौधों पर एफिड्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाइस और पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो शुरुआती स्तर पर नीम ऑयल का स्प्रे कारगर रहता है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी बालकनी में कैसे फूल खिले। अगर कोई सवाल हो या कोई फीडबैक हो तो वो भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।